हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट वीडियो। तो गाइस, बहुत दिनों बाद फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ और बहुत दिनों बाद मैं प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ। तो गाइस, इसके लिए सॉरी, क्योंकि गाइस मैं किसी और एक प्रोजेक्ट के ऊपर, बहुत बड़ी जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा था, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा आपको दे देता हूँ गाइस, क्योंकि उसका वीडियो भी आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो गाइस, मैं यहाँ पर पाइथन की मदद से जारवेस बना रहा हूँ। तो इसीलिए मैं जो पाइथन है उसको लगातार यहाँ पर, आज से नहीं, मैं यहाँ पर बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा था, पाइथन को यहाँ पर लर्निंग कर रहा था। तो वैसे यहाँ पर मुझे कुछ कुछ सफलता मिला है, ठीक है, इस जार्विस को बनाते हुए। और तो वैस चलिए, तो इस आज की जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात, तो वैसे आप लोग कैसे हो, तो वैसे आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस सब के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना कैसे होगे, ठीक है। और तो इसलिए तो गाइस, आज हम बनाएंगे एक क्लैप स्विच जो कि गाइस ऑडिनो के मदद से। लेकिन गाइस, आप एक क्लैप स्विच जो CD4017 जो आईसी है उसकी मदद से भी बहुत ही आसानी से बांध सकते हो, लेकिन गाइस ऑडिनो की मदद से आप और भी आसानी से बांध सकते हो। तो गाइस, आज हम वही बना के दिखाएंगे आपको। तो गाइस, इसके लिए हमें सिर्फ दो ही कंपनी यूज करने वाली है, यहाँ पर एक साउंड सेंसर और यहाँ पर एक ऑडिनो यूनो। तो गाइस, आप यहाँ पर आपके हिसाब से ऑडिनो नैनो, आप यहाँ ऑडिनो मेगा, ऑडिनो प्रो मिनी, आप यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल चुन सकते हो, ठीक है, ऑडिनो के। सो गाइस, लेट्स गो। चलिए, सो गाइस, एज यू कैन सी, हेयर इज आवर साउंड सेंसर। तो गाइस, इसके इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो गाइस, ये हमारा जो साउंड है वो कैप्चर करता है, उसके कैप्चर करने के बाद उसको आउटपुट देता है। तो गाइस, यहाँ पर हमें तीन पिन मिलता है। तो गाइस, एक पिन है आउटपुट, एक पिन है ग्राउंड और एक पिन है VCC। और गाइस, इसमें आपको एक पोटेंशियोमीटर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइस, इससे आप यहाँ पर जो साउंड कैप्चर जो सेंसिटिविटी है, तो गाइस वो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, उसके बाद गाइस हमें चाहिए एक ऑर्डिनो यूनो। तो गाइस, ये हमारा ऑर्डिनो यूनो, और हमें एक आउटपुट लेने के लिए हमें एक LED चाहिए। और तो गाइस, ये हमारा सिंपल सा LED, ठीक है। तो गाइस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम साउंड सेंसर से सिग्नल ऑर्डिनो को, ऑर्डिनो पे इनपुट देंगे, और ऑर्डिनो की मदद से हम LED में आउटपुट देंगे। तो गाइस, ये रहा हमारा सिंपल सा फंडा। तो गाइस, चलिए इसका सिंपल सा वायरिंग मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये आपको इसका जो वायरिंग और यहाँ पर इसका जो कोड है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी वायरिंग है, मैं यहाँ पर फटाक से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सिंपल सा वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो गाइस, चलिए इसमें हमें कोड को अपडेट करना पड़ेगा। तो गाइस, ये रहा हमारा कुछ छोटा सा कोड, ठीक है, यहाँ पर कुछ 20 लाइन का कोड है, ठीक है। तो गाइस, कोड अपने का बहुत ही इजी है। पहले टूल में जाओ, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पर कॉम्पोर्ट सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली अपडेट बटन कर ठोक दो। तो गाइस, ये हमारा अपडेट बटन, इस पर आप ठोक देना है, बहुत ही ज़ोर से ठोक देना है, ठीक है, इसमें हमारा काम बन जाएगा। तो गाइस, चलिए मैं फटाक से कोड को अपडेट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर हमने कोड को अपडेट कर दिया। तो गाइस, चलिए यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर क्या होगा, तो गाइस जब भी मैं ऐसे दो बार चुटकी बजाऊंगा, तभी हमें हमारा जो LED है ग्लो होना चाहिए। क्योंकि इस हमारा जो कोड है, मैंने ऐसे ही कमांड लगाया था, मुझे दो बार क्लैप करना पड़ा, मतलब क्लैप करने के लिए पड़ा। अगर मुझे इस LED को ग्लो करना होगा तो गाइस मुझे याद से दो बार क्लैप करना होगा, ठीक है। तो गाइस, दिक्कत यहाँ पर इस बात की मुझे है, मुझे ठीक से चुटकी बजा नहीं आता। लेकिन गाइस, उससे देखिए यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर क्लैप कर रहा हूँ तब यहाँ पर मेरा जो ठीक से काम कर रहा है। तो गाइस, देखिए यहाँ पर जो LED है बहुत ही, मतलब ग्लो कर रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर है उसका सेंसिटिविटी आपको सेट करना होगा, कितनी आवाज पर यहाँ पर इसको ग्लो करना चाहते हो, मतलब काम करे इसकी सेंसिटिविटी कितनी आवाज पे। तो गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स फॉर टुडे।
तो इस मिलते किसी और एक प्रोजेक्ट के साथ और एक वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्योंकि गाइस ये जो प्रोजेक्ट है ये तो बहुत ही नॉर्मल प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे भी और ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला, आगे तो आपको रोबोटिक्स से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो इस चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर मैं जो भी करूँगा बहुत ही आसानी से करूँगा, बहुत ही आपको सिंपल तरीके से करके दिखाऊंगा, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं होगा, ठीक है। तो इस चलिए